जैसे कि नाम से पता चलता है, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। तीन किलो की इस नवजात बच्ची ने आज दुनिया में आंखें खोली हैं। इस स्वस्थ बच्ची के जन्म का श्रेय ANM को जाता है, जिसने महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया है। अच्छा कपड़ा लेके उसको छोटे कपड़े में लपेट, वहां से जाके कपड़ा मंगा लो, दुर्गा के हम किसी जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में ANM की प्रसव परिचायिका के रूप में छवि और सुदृढ़ हुई है। समुदाय अब इन्हें सुरक्षित प्रसव में दक्ष व्यक्ति के रूप में जानने लगा है व इनकी दक्षता पर भरोसा भी करने लगा है। जायका साहित्य प्रशिक्षण ने इस बदलाव को लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। धड़क होके करते हैं कि हमको ऐसा सिखाया गया है और हम हेटी नहीं खाओ, घबराओ मत, डील करो, तो हम सक्सेस हो जाए। इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह से ANM महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में लगी है। बुंदेलखंड के शहर दामों में जायका परियोजना ने पहले काम की शुरुआत की। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यद्यपि जनसंख्या स्थिरता पर काम हो रहा है, परंतु अभी भी कई इलाकों में अधिक प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर एक समस्या है। मध्य प्रदेश भी इस समस्या से जूझ रहा है। प्रदेश के अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में तो ये समस्या और भी गंभीर है, जिसे निपटने की आवश्यकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के मुख्य उद्देश्यों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना भी शामिल है। जायका परियोजना ने भी लगभग इसी समय काम करना शुरू किया, ताकि NRHM में सोची गई रणनीति का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन किया जा सके। ये तारा देही उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो उत्तरी मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है। यहाँ दो ANM पदस्थ हैं, जो कुशलता पूर्वक महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करती हैं। खाते हैं नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? तभी तो खून की कमी है, यहाँ आओगे तो हम भगा देंगे तुम्हें। लक्ष्मी पनिका पिछले 12 वर्ष से ANM का कार्य कर रही हैं। पिछले एक साल में उसने अपने उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही लगभग 200 प्रसव करवाए हैं। घबराहट हो रही है क्या? क्या घबरा रहा है? कुछ थोड़ा मैं कर रहा हूँ। लक्ष्मी को अपने काम पर गर्व है और गर्भवती महिलाएं भी इनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार से खुश हैं। मेरे काम से दूसरे खुश होते हैं और मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि मैं उनकी समस्याओं को हल करती हूँ। वो जिस चीज के लिए मेरे पास आए हैं, उनकी समस्याएं हल होती है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं सामने वाले का जो भी तकलीफ, मैंने उसको दूर किया। आसपास गांवों की गर्भवती महिलाओं को भी उन पर पूरा विश्वास है, किंतु कुछ समय पहले स्थिति अलग थी, जब लक्ष्मी को घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका लगाना पड़ता था। क्योंकि वे जांच करती हैं, डिलीवरी करने लगी थी यहाँ आते हैं, नहीं तो फेरा में आती थी, खुली नहीं रही अस्पताल, इतने अस्पताल नहीं खुली रही, डिलीवरी नहीं होती रही। हर चीज अच्छा लगता है, यहाँ टीका लगता है, हाँ यहाँ पास भी है और चेकअप भी अच्छे होते हैं, जांच।
गर्भवती महिलाएं अब जान गई हैं कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण जांचें होती हैं। हर बार उनका वजन व रक्तचाप नापा जाता है। पेट की जांच कर शिशु की स्थिति व उसकी हृदय गति भी देखी जाती है। इसका हेड फिक्स हो रहा है। कितने तारीख को सिर दर्द हो गया ना? पता है कुछ? हाँ वो खून की जांच द्वारा एनीमिया की पहचान व पेशाब में एल्बुमिन व शुगर की जांच भी की जाती है। छोटा बच्चा क्या लड़का है? लड़का है। इन जांचों के बाद बारी आती है टेटनस के टीके व लौ तत्व की गोलियों की। क्यों नहीं खाते? तभी तो खून की कमी है। यहाँ आओगे तो हम भगा देंगे तुम, है ना? यहाँ पर आओगे तो खून की कमी रहेगी। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है ना खून की। इसके ऊपर निकालते समय यदि फूट जाए या इसकी पपड़ी उतर जाए तो ये नहीं समझना कि गलत है। साथ ही महिला को प्रसव के लिए तैयार रहने के बारे में भी समझाइश दी जाती है। याद रखने के लिए जायका द्वारा दिए गए ट्रेनिंग में शुमार ये 10 बिंदु वाला पोस्टर लक्ष्मी ने दीवार पर लगा रखा है। बहुत सहारा मिला है कि जो कुछ मुझे नहीं आता था मैंने उसे सीखकर ये लगा कि हाँ, मैं जिस काम के लिए सोचती थी कि इस महिला को उसकी समस्या नहीं समझ पाते थे, लेकिन 6 दिन की ट्रेनिंग में कुछ ऐसा है कि मैं उसको समझा सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ, उसकी कुछ समस्या मैं हल कर सकती हूँ। मुझमें इतना लगता है कि हाँ, मैं हूँ उस लायक कि उसकी समस्या दूर कर दूँ। इस ट्रेनिंग का आयोजन अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2007 के दरमियान सागर व दामों के प्रशिक्षण केंद्रों पर हुआ था। छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के हर सत्र में 25 प्रतिभागी होते थे। उन्हें गर्भावस्था में देखभाल के पहलू पढ़ाए व अभ्यास कराए जाते थे। पहले की थी तो वो ऐसी होती थी और ये 6 दिन की थी तो इसमें मतलब सभी प्रकार से महिलाओं की जांच के बारे में समझाया गया और प्रैक्टिकल भी करवाया गया। पहले मतलब ऐसे बच्चों के बारे में, एनसी के बारे में भी होते थे, पर इतना नहीं होता था। और इस बार जो जायका वाले आए हैं ना, तो उनने मतलब सभी प्रकार से जांच के बारे में समझाया प्रैक्टिकली, मतलब सभी कुछ कि गांव में कैसा क्या करना है। प्रशिक्षण पश्चात इस कौशल का उपयोग हो सके, इसके लिए जायका ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को हीमोग्लोबिन किट व बीपी मशीन उपलब्ध करवाई। बार बार इनका उपयोग करने से ANM का रोजमर्रा में भी इन्हें इस्तेमाल करने की ओर रुझान बढ़ा। पहले जैसे ANM के काम करने में झिझक रहती थी या कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, ट्रेनिंग करने के बाद में उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और वो अपना काम जो है बहुत अच्छे से करती थी। वो क्वालिटी में उसके इम्प्रूवमेंट हुआ, अर्ली रेफरल हुआ और जो ANC का चेकअप्स वगैरह जितने थे वो रेगुलर होने लगे। इसी तरह SBA प्रशिक्षण में भी कक्षा सत्र व मिडवाइफरी अभ्यास का सही अनुपात था। इसमें सिखाया गया ब्रीच डिलीवरी का सत्र लक्ष्मी को हमेशा याद रहेगा। और मुझे पता नहीं था कि इसकी डिलीवरी उल्टा बच्चा है तो किस तरीके से निकाले। उस समय उसका बच्चा फंस गया था, खत्म हो गया था, उस चीज़ का मुझे आज भी दुख। अब जब मुझे आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं पहले सीखी होती तो आज उसका बच्चा मैं बचा सकती थी। जब ट्रेनिंग करने के बाद मुझे मालूम हो गया कि अगर उल्टा बच्चा है तो किस तरीके से निकालना है। हाँ, अभी दो करा चुकी हूँ मैंने, सके उसमें से दोनों सही। इसके बारे में जानकारी ना होने से लक्ष्मी एक प्रसव में शिशु को ना बचा सकी, पर अब वह स्थिति का सामना अधिक दक्षता से कर सकती है। यद्यपि ANM इस प्रशिक्षण के बाद काम करने में अधिक कुशल हो गई, परंतु एक और क्षेत्र है
जहां उन्हें सहायता की आवश्यकता थी और वो है उप स्वास्थ्य केंद्र के सही रखरखाव के बारे में जानकारी। हालांकि NRHM के अंतर्गत उन्हें इसके लिए अनाबद्ध राशि दी जाती है, परंतु यह उनके लिए नई स्थिति थी। जायका ने इसमें ANM की मदद की। राशि को उपयोगी तौर पर कैसे खर्च करें इसकी सलाह दी। जायका के तरफ से हमारे पास जो है उनमें से आते रहते हैं बीच बीच में हमारे, और हमने उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे सामान लेना है और किस तरीके से आप महिलाओं के बच्चों को और यहाँ पे क्लिनिक लगा सकोगे। इस प्रकार से वो आके हमारे संग सहयोग किया है। हमें जो इंटरेस्ट फंड मिल रहा है उसी से हम ये सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सब इंटरेस्ट फंड से ही कर रहे हैं हम। उसी से हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है इंटरेस्ट फंड से। शुरुआती दौर में उप स्वास्थ्य केंद्र में कई वस्तुओं का अभाव था, जैसे जांच के लिए मेजें, पर्दे इत्यादि। टपकती छत की भी मरम्मत करवाकर भवन को काम करने लायक बनाए जाने की आवश्यकता थी। धीरे धीरे ANM को राशि का उपयोग समझ में आने लगा और वे इसके प्रबंधन में बेहतर होती गईं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र में 6-7 गांव वह 7,000 से 8,000 की जनसंख्या होती है। मेरा तो ये काम है, मैं यहाँ महिलाओं और बच्चों की उनकी समस्याओं को हल करना, उनकी बीमारियों को समझने के लिए यहाँ पर पदस्थ हूँ। तो मैं नहीं सोचती कि हाँ मैं मतलब कि सब वासी के लिए, बट मेरा तो काम है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हर हितग्राही तक पहुंचने में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य उप स्वास्थ्य केंद्र के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। जायका ने अगस्त 2008 से इस पर काम करना शुरू किया। हर गांव में प्रतिमाह एक निश्चित दिन व स्थान पर VHND का आयोजन किया जाता है। आज बमहौरी में इसका आयोजन हो रहा है। 800 की आबादी वाले इस गांव में तारा देही से 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आज प्रमुखतः महिलाओं व बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, जैसे टीकाकरण व विटामिन ए की खुराक। गर्भवती महिलाओं की सभी जांचें भी यहां की जाएंगी। बमहौरी की तरह क्षेत्र के अनेक गांव हैं, जिन्हें VHND के दौरान ही स्वास्थ्य सुविधाएं देना एक पर्याय है। बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि पूरे महिलाओं को टीके लग जाते हैं, पूरे बच्चे आते हैं उनके टीके हो जाते हैं, महिलाओं की पूरी जांच हो जाती है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जिस काम के लिए आई वो मेरा काम पूरा हुआ। परंतु एक ही दिन में पूरे गांव में सभी को सुविधाएं दे पाना मुश्किल काम है, जो सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं। हालांकि किसकी क्या जिम्मेदारी है ये प्रारंभ में स्पष्ट नहीं था। लक्ष्मी एवं उसके साथियों ने VHND का आयोजन फिल्म से इसके बारे में सीखा। और सब तैयार हैं एक ही जगह कई सेवाएं देने को। इस फिल्म में किसकी क्या भूमिका हो सकती है ये दिखाया गया है। इस गोली से
फिल्म में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पंजीयन करते हुए, आशा को महिलाओं व बालिकाओं को प्रेरित करते हुए व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों का वजन लेते हुए दिखाया गया है। क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में शाम के धुंधलके में क्योंकि फिल्म की शूटिंग वास्तविक VHND के दिन ही हुई है, इसी वजह से कार्यकर्ताओं को इससे सीखकर बमहौरी में VHND लागू करने में सुविधा हुई। फिल्म के अनुसार ही पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने पंजीयन व दवाई वितरण का जिम्मा संभाला है। आशा जो कि समुदाय व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसने गर्भवती महिलाओं को इकट्ठा करने का काम किया, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बच्चों का वजन लेने व पोषण आहार वितरण में तैनात हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चला, भी उतना नहीं हुआ था, लेकिन अब इतना अच्छा होने लगा, बहुत लोग आने लगे और टीकाकरण होता है बीमारियों से, बच्चों को पता चलता है टीकाकरण की जरा उनकी बीमारियां, बात अपनी बीमारी जो जो बीमारियां हैं बच्चों को टीकाकरण के द्वारा उस बीमारी से बचते हैं बच्चे। इसके अलावा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर पौष्टिक आहार खिलाया जाता है तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाएं और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को कच्चे आहार के पैकेट भी बांटे जाते हैं। इस पौष्टिक आहार में दाल चावल एवं सब्जियों की खिचड़ी होती है। यह कि आज जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, टीकाकरण हो रहा है, हमारे बच्चे जो पोलियो होता है वो नहीं होगा, टीकाकरण होगा, मतलब हर चीज, हमारे घर का समय भी बचता है, हम काम भी कर सकते हैं घर का, मतलब दूर नहीं जाना पड़ता, यहाँ पास के पास में मतलब टीकाकरण होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं तो समय भी बच जाता है। फिल्म की मदद से अधिक कार्यकर्ता भली प्रकार से VHND का आयोजन कर पाने में सक्षम होते जा रहे हैं। एक ही स्थान पर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएं मिलने से समुदाय भी लाभान्वित हो रहा है। जायका परियोजना प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र विभाग की वह सीढ़ी है जो समुदाय के सबसे पास है। दामोह जिले में कुल 163 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। जिले में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां मरीजों के अन्य उपचार की भी व्यवस्था है। जिले के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 30 बिस्तरों की व्यवस्था है। जिला चिकित्सालय जिले की सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था है। स्तर के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु ये आवश्यक है कि हर अस्पताल निर्धारित मानकों के हिसाब से सुसज्ज हो। आइए चलते हैं जिले के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक पर। सर्रा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतत गुणवत्ता सुधार का जीवित उदाहरण है। गुणवत्ता सुधार की शुरुआत मैटरनिटी कक्ष को सुव्यवस्थित करने से हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन करने से ये और भी बड़ी है। हाल ही में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने हेतु जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। अस्पताल में यह बदलाव धीरे धीरे अधिक संख्या में मरीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रात को चढ़ता के दिन रात के ठंडी का नहीं रात लगते उसको ठंडी नहीं लगे। और जे धार पर वैक्सीन जहाँ किया था देखा इधर तो कुछ नहीं, इसमें कहा गीली पट्टी अभी लटकते जाना थोड़ी वो नहीं वो कुछ नहीं। गर्भावस्था व प्रसव में देखभाल के अलावा अब यहाँ परामर्श भी दिया जाता है। अब सर्रा PHC इस क्षेत्र में
गुणवत्ता का पर्याय बन चुकी है। सर्रा जो पीएससी है, सबसे जिले का सबसे इंटीरियर पीएससी है, और जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उधर कोई डिलीवरी नहीं होते थे और उधर कोई स्टाफ पदस्थ नहीं थे, और आज का तारीख में हमारा पूरे ज़िले में सबसे अच्छा एक पीएससी है, लेकिन जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, सब दो स्टाफ एएनएम द्वारा उसे टाइम मेंटेन किया जा रहा था। तो मेनली जो स्टाफ नर्स हैं उन लोगों को एक एक्सपोजर इसे हम लोग ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट की ओर से। आइए हम आपको अब एक अन्य अस्पताल ले चलते हैं, तेंदुखेड़ा सीएचसी जिले के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है। बाहर खड़ी ये दो गाड़ियां आसपास के क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल लाने का काम करती हैं। इनमें से एक जननी एक्सप्रेस है जो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ही निश्चित है। 30 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में शिफ्ट के अनुसार 24 घंटे प्रसव सुविधा प्रदान करने हेतु नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है। NRHM में उपलब्ध धनराशि का उपयोग अस्पताल के रखरखाव के लिए किया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से यहां साफ सफाई भी है। यहां के BMO डॉक्टर गुप्ता हमें अस्पताल दिखा रहे हैं। यह हमारा लेबर रूम है, लेबर विंग है ये। यहाँ वन ऑब्जर्वेशन रूम है, देन आपका लेबर रूम है और ड्यूटी रूम है। यहाँ प्रसव कक्ष में आवश्यक सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है, इससे माँ व शिशु की देखभाल में आसानी होती है। यहाँ आवश्यकता अनुसार हर उपकरण और सामग्री उपलब्ध है एवं उपयोग हेतु तैयार है। अब हम डॉक्टर गुप्ता के साथ अस्पताल के पिछले हिस्से में जा रहे हैं। ऑल द बॉडी टिश्यू एंड प्लेजेंटा, जो डिलीवरी के बाद जो निकलता है प्लेजेंटा, वो इसके अंदर जाता है, डीप ब्रेल पिट। डॉक्टर गुप्ता ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि अस्पताल में जैविक कचरे से निपटने की जिम्मेदारी सभी की है। ANC के लिए चेकअप के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता थी, वो मिली हमें। टेक्निकल बात यदि करेंगे तो जो ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज की है जायका ने, ANM को मैडम और स्टाफ नर्स को जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जो पेरिफेरल वर्कर जो हैं ANMs जो हैं और मेल वर्कर इवन एंड स्टाफ नर्स, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और उसको फील्ड में फिर अप्लाई किया। BMO की तरह ही नर्सिंग स्टाफ भी सतत गुणवत्ता सुधार के लिए सक्रिय रहता है, इससे माँ एवं शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दीवार पर प्रसव में आकस्मिक उपचार को बड़े अक्षरों में लिख लिया है, इससे उन्हें जटिलता में तुरंत निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसी तरह ग्रामीण मरीजों की बात बेहतर समझने के लिए उन्होंने ये चक्र भी बनाया है, इसमें हिंदी व अंग्रेजी महीने साथ साथ दिखाए गए हैं। देखिए, जननी एक्सप्रेस एक महिला को लेकर आई है जिसने रास्ते में ही शिशु को जन्म दिया है। माँ व आंवल सहित नवजात को प्रसव कक्ष में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर और नर्स तुरंत आ गए हैं। Thank you.
महिला को लिटाकर एएनएम बच्चे की देखभाल कर रही है। एएनएम ने नाल तो काट दी है पर बच्चा अभी तक नहीं रोया है। ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। काफी प्रयत्न के बाद आखिरकार बच्चा रो ही दिया और सब ने चैन की सांस ली। एएनएम सधे हाथों से बच्चे को पोंछ रही है। अब बच्चे को मां के पास लाया गया है ताकि स्तनपान की शुरुआत की जा सके। माँ अभी थकी हुई है और शिशु को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पा रही है। एएनएम की मदद से शिशु ने स्तनपान करना आरंभ कर दिया है। नहीं, एक खुशी हो रही थी मैडम कि अच्छा लग रहा है कि मतलब अपन ने उसको अच्छे से केयर किया करके। जी अक्सर होते हैं, गाड़ी में आते हैं तो कभी कभी मतलब हो ही जाते हैं, प्राय दिन में एक दो केस तो हो ही जाते हैं। गाड़ी से आने में टाइम लगता है, जो जननी एक्सप्रेस जाती है तो जननी एक्सप्रेस में भी हो जाते हैं। कभी घर में हो जाते हैं तो फिर उनको इमरजेंसी होती है तो इसलिए लेके आते हैं, नहीं तो फिर उनको तो जननी सुरक्षा में लेते नहीं है तो फिर वहीं छोड़ देते हैं। अस्पताल में 24 घंटे नर्स की उपलब्धता हो इसके लिए हर एक की ड्यूटी निश्चित है। सभी प्रसूता महिला की केस शीट बनाना व उस पर विस्तृत जानकारी लिखना अब सबकी आदत बन गई है। पहले ये स्थिति नहीं थी परंतु परिस्थितिवश सभी स्टाफ नर्सों ने ऐसा करने का निर्णय लिया। आरएल दे दिया है, पैड भी देख लिया है, सब अच्छे से है, बाकी सब ठीक ठाक है। अब इसके बाद और कुछ मेडिसिन लेना है? अभी तो ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है, टोटल ठीक है। तो अच्छा, ट्रिप पे यहीं पे चलते हैं, यहीं पे ट्रिप समाप्त हो जाएगी। जब कभी चिकित्सकों की कमी हो तब भी नर्स अपनी क्षमता के अनुसार काम करती हैं। एक दूसरे की सहायता के लिए वे आपस में चर्चा करती हैं, वो प्रशिक्षण सामग्री का भी बार बार अध्ययन करती हैं। जटिलतापूर्ण केस आने पर सब एकत्रित होकर उसे सुलझाने का प्रयत्न करती हैं। ऐसा करना उन्हें अधिक व्यावसायिक निपुणता का एहसास दिलाता है। वे सतत गुणवत्ता सुधार की कोशिश करती रहती है। इसी में अगली कड़ी है पार्टोग्राफ भरना। हर प्रसव का पार्टोग्राफ भरने से उन्हें सही वक्त पर सही उपचार करने में व रेफर करने का निर्णय लेने में आसानी होती है। पार्टोग्राफ द्वारा वे महिला के परिजनों को भी स्थिति की गंभीरता समझा सकती हैं। तेंदुखेड़ा सीएचसी की सतत गुणवत्ता में सुधार अन्य अस्पतालों के लिए भी उदाहरण बन गया है।
जिला अस्पताल दामोह के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र के अन्य अस्पताल उच्च सेवाओं के लिए मरीज यहां भेजते हैं। यहां मेडिसिन, शल्यक्रिया, स्त्री रोग आदि विभाग हैं। ये अस्पताल ANM एवं स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। SBA ट्रेनिंग इसका उदाहरण है। यहाँ अन्य अस्पतालों से नर्सिंग स्टाफ प्रशिक्षण के लिए आती है। लेकिन जो सही मेथड जो है वो कि किस तरह से 21 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल व नवजात शिशु की देखभाल विषय शामिल है। क्या करना है? ऐसा पूरे पेरिनियम पे ऐसा, है ना? और एक हाथ कहाँ रहना चाहिए आपका? सिर के ऊपर, है ना? ठीक है, करो बेटा। और ये सपोर्ट है, इससे क्या होगा आपका दबाना है, है ना? जैसे ही बेबी आउट होता है तो आपको रुकना है, काहे के लिए? वो अपने आप रोटेट होता है लेफ्ट में या राइट में, है ना? फिर नीचे का सपोर्ट, रुक जा बेटा, नीचे का लिम निकालना है। फिर ऐसे नहीं कि ऐसे बेबी को खींचना है, इसको सीधा करना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे बेबी को बाहर निकालना है, ठीक है? 6 दिवसीय ANC प्रशिक्षण के मुकाबले SBA प्रशिक्षण में अन्य कई विषय भी शामिल हैं, पर प्रशिक्षण की मूल अवधारणा एक जैसी है। इसमें स्वयं अभ्यास कर हर कौशल को सीखने पर जोर दिया गया है, जिससे प्रशिक्षण के बाद उसका उपयोग करने में आत्मविश्वास बना रहे। जायका ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व सामग्री विकसित करने में तकनीकी सहयोग दिया है। डॉक्टर श्रद्धा गंगेले हर प्रशिक्षणार्थी के कौशल विकास की ओर स्वयं ध्यान देती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सबसे पहले हिस्ट्री लेना, डिटेल, है ना? नाम पूछो, हस्बैंड नेम पूछो, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछो, मेडिकल हिस्ट्री पूछो। सुचिता मिश्रा, पहला बच्चा है आपके हस्बैंड का क्या नाम? बाल मुकुंद मिश्रा। अच्छा, फिर उसके बाद आप जनरल अपीयरेंस देखो, है ना? वाई लुक कैसी लग रही है? ठीक है, यसी पुअर है, जनरल कंडीशन जो है सामान्य स्थिति, वो सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद है। फिर उसके बाद आप पेलोर देखते हो। पेलोर कहाँ कहाँ देख रहे हैं? जीभ में देख रहे हैं, कंजंक्टिवा दोनों नीचे, है ना? लोअर कंजंक्टिवा, ठीक, एक साथ देख रहे दोनों, ठीक है? फिर जीभ दिखाओ, यहाँ देख रहे हैं, हाँ करो, ये पूरा बगल व्यूस हमें देखते हैं, ठीक, हाथ दिखाओ, यहाँ देख सकते हैं, है ना? और पैरों में देख सकते हैं, ठीक। ये सारी जगह क्या है? पेललेस देखने के लिए, कहाँ हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना। इसके बाद आपने फंडल हाइट एक बार देख ली। डॉक्टर गंगेले के पढ़ाने का तरीका सरल व स्पष्ट है। हफ्ते का फंडल हाइट है। इसके बाद आपने देखा इसका प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन मतलब लोअर पोल कौन सा है? लोअर पोल में इसमें हेड है। हेड के लिए आपको इस हाथ का इस्तेमाल करना, राइट हैंड का, चार उंगलियाँ एक तरफ एक इस तरफ, इस तरीके से आप रख के देखेंगे। हार्ड है, गोल है और आप उसको हिला सकते हैं, तो वो हेड है। प्रशिक्षणार्थियों को गर्भवती महिला की स्थिति पर सतर्क रहकर निदान व उपचार करना सिखाया जा रहा है। इस अभ्यास को वो अपने कार्य क्षेत्र में भी भूल नहीं पाएंगे। आप भी देखो, ठीक। हम लोग FHS लेते हैं, BP लेते हैं, डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो हम लोग का फायदा ही है, मतलब कि इससे हम लोग को पता चलता है कि जो लेडीज आई है हमारे पास में, जो पेशेंट आई है, वो किस स्थिति में है, उसके बच्चे की क्या स्थिति है, पार्टोग्राफ बढ़ती है, तो सब पता चल जाता है, मतलब किस कंडीशन में पेशेंट आया है और उसकी डिलीवरी कैसे कराए हैं। ये ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग यहाँ से अच्छे तरीके से सीख कर जाएंगे और वहाँ पे मतलब कि इस चीज़ को करेंगे तो वहाँ के ग्रामीण लोगों को तो उतनी वो रहता नहीं है, तो हम लोग मतलब मातृ मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डिलीवरी करवा सकते हैं, तो ग्रामीण इलाके में जो मतलब बिना डॉक्टर्स के रह रहे हैं तो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है।
आइए ANC व SBA प्रशिक्षण का असर हम इस उप स्वास्थ्य केंद्र में देखें। ८०० घरों वाला गैसाबाद पिछले 36 वर्षों से इस उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं पा रहा है। 58 वर्ष की उत्साही ANM लक्ष्मी टंडन है। गोली खा रहे हो? आयरन गोली खा रहे हो? वजन नहीं उठाना हाँ? और शाम को एक गिलास दूध पिया करो हाँ? और अच्छे से भरपेट खाना खाना है, वजन ऊपर नहीं रख। उनके इस आत्मविश्वास व व्यावसायिक गुणवत्ता का श्रेय ANC एवं SBA प्रशिक्षण को जाता है। भाई धड़क होके करते हैं कि हमको ऐसा सिखाया गया है और हम हेटी नहीं खाओ, घबराओ मत, डील करो, तो हम सक्सेस हो जाते। आत्मविश्वास है कि हम आपको ठीक करें, पैसा हो या ना हो हम अपना पैसा लगा के उनकी हेल्प करते हैं। और हमारे ये भगवान से दुआ करते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे गांव वालों को कुछ ना हो, मेरे एक भाई बहन बच्चे जैसे हैं वो। तो लक्ष्मी अपने अनुभव व निपुणता का फायदा अन्य साथियों को भी देती है। उसकी आई देखो कि ब्लड की कमी तो नहीं है, हार्मोन्स कम तो नहीं हो रहे हैं इसके, क्या बाद में कोई परेशानी मुसीबत आ जाए अपन को देखना है। और आयरन की गोली खाने को लिए रोज प्रेरित करना, उसके रोज एक गोली खाए। उसके घर में जो कुछ 5 किस्म की दालें हैं, 5 किस्म की दाल को हफ्ते में 2 बार बना के खाए। इससे उनकी अनुपस्थिति में भी समुदाय को अच्छी प्रसव सेवा मिलती रहती है। लक्ष्मी समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। माँ व नवजात शिशु की जांच के लिए वह उनके घर जा रही है। आओ बेटा आ जाओ। कैसी हो? सब ठीक है? बच्चे अच्छे हैं? कमजोर हो गया? लड़का है? नहीं, वो नहीं जी। इन जुड़वा नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में वे माँ को सलाह दे रही हैं। आप तो अच्छे हैं? हाँ दोनों अच्छे हैं, कमजोर हो गए हैं। टीका लग गए ना कल DCG का, अब इसको 1-1.5 महीने बाद फिर लगेगा। थोड़ा बच्चे के डॉक्टर को दिखा लेना, संजय त्रिवेदी को दिखा ले। कल जा रहे हैं, अच्छे हो जाएंगे बच्चे। कल नहीं परसों? नहीं अच्छे हो जाएंगे। शुक्रवार ले जाने। क्या खाना खा रहे हो? दाल ही दाल खिलाते हो? नहीं, लौकी भी। हाँ लौकी हल्का खाना सब खिलाओ, दलिया वगैरह। दलिया है, मूंग की दाल है, बार बार खिलाओ। और दूध इसको मेरे को माँ का पिलाना, ऊपरी नहीं पिलाना। वह अच्छे पोषण का महत्व बताती हैं ताकि माँ दोनों शिशुओं को ठीक से स्तनपान करवा सकें। अब वह अगले परिवार की ओर जा रही हैं जहाँ 2 दिन पहले शिशु ने जन्म लिया है। अच्छा है, ठीक है। परेशानी तो नहीं है? बुखार उखार तो नहीं आया? माँ का दूध पिला रही हो? हाँ। इस शिशु को देखकर लक्ष्मी खुश है। वो कुछ नहीं, ऊपर का दूध घूटी वगैरह देना इसको है? अपना ही दूध पिलाना जिससे कमजोर ना हो। हमारे यहाँ ला के दिखाया करो। कोई परेशानी है तो दीदी को बता दीजिए कर रहे लेटिन करना। हाँ थोड़ा सुबह धूप दिखाया करो उसको, बच्चे को धूप दिखाओ सवेरे वाली। शबनम ने कराया था, 5 मिनट में डिलीवरी हो गया था। शबनम ने कराया था टेबल पे लिटा के, बस जल्दी हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। समय समय पर जांच करती कि नहीं करती? हाँ करती है ना। तो कैसे करती, कैसे महसूस होती है? नहीं
ठीक है, हम कभी डांट प्यार की नहीं समझाती। इसी व्यवहार की वजह से लोग उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं व उनकी सलाह भी मानते हैं। लोग हमेशा उनसे सलाह लेने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका कार्यक्रम बहुत ठीक, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। यहाँ से भी शुरू से हम प्रश्न हो रहा है। इन 36 वर्षों में इस गांव में शायद ही कोई परिवार हो जिनके यहाँ लक्ष्मी के द्वारा प्रसव ना हुआ हो। मेरा भाई लगता है, ये मेरे को दीदी बोलता है, इनके बच्चा भी दीदी बोलता है, इतने इतने से हैं वो भी दीदी बोलता है, सबका दीदी है, पूरा गांव दीदी बोलता है। क्या हो गया दीदी? पांच लाख की आबादी वाले दामोह जिले में गैसाबाद जैसे अनेक गांव हैं। लक्ष्मी जैसी और भी कई ANM हैं, जो NRHM के अग्रणी पंक्ति के सैनिक के रूप में स्वास्थ्य के लिए लड़ रही हैं। इस लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग उनके साथ है, जो उन्हें तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक व नैतिक सहायता देता है। जायका परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ इस सहायक तंत्र को सुदृढ़ करने का काम कर रही है, ताकि स्टाफ नर्स व ANM अपनी उच्चतम कार्य क्षमता के साथ समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएं।